Hello, good afternoon, everybody. My question is to Mr. Raj Nayak. Would like to know, sir, what were the difficulties you faced when you, considered this kind of platform? And also, on what basis you have selected the singers and the composers? First of all, it's taken 2.5 years for us to put this together. I don't think we would have launched the platform if T-Series had not partnered us, because I've been talking to many people for the last 1.5, 2 years, and it's been going on. The reason on choosing people for tomorrow's show is more to do with people who've been associated with T-Series than anything else. People who have had a relationship with Gulshanji and people who had a relationship with T-Series, and that's the criteria on which all the artists tomorrow are performing, and all of them are performing pro bono as a mark of respect. Shanda, आप भी कुछ जिक्र करना चाहेंगे, कोई memories आपकी जुड़ी हो? मैं बस सुनने की बातें सुन रहा था और I was just absolutely enjoying it. और नहीं, honestly अगर बताऊँ तो इन बातों के बाद मेरे पास ऐसी कोई अलग से खास बात है नहीं जो मैं शेयर कर सकता हूँ. हाँ, मैं भी कई बार T-Series गया था, अपना कैसेट रख के आया था वहाँ. और एक बार गया था तो मैं तब ना तिरुपति जाकर होटल करके आया था, तो दूसरी बार गया तो ये तो कोई और आ था, कह रहे हो ये मिलने भी बाहर आ गया, लेकिन आया ना बट ऑनेस्टली आई मीन आई एम जस्ट एंजॉयिंग द जो एक विजुअल बना जो बाल कह रहे थे सर इज एंजॉयिंग दैट फील राइट नाउ टू आई थिंक इट्स योर सर. यू नाइस स्टूडेंट अबाउट भूषण जी. भूषण जी कैसे इज्जत है कि जैसे वो कभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे बाकी वो सिंगर्स खड़े किए, कंपोजर्स खड़े किए, उन्होंने बहुत सारे डीलर्स खड़े किए. ये बिजनेस था नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले भूषण कुमार जी थे. ऐसा नहीं था कि वहाँ पे डीलर्स थे और मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ ना, कोई ये सिस्टम था नहीं. भूषण जी ने बोला कि यार चलो तुम वैष्णो देवी में तुम दुकान लगाओ, तुमको हम पैसे देंगे, तुमको हम सपोर्ट करेंगे. तो ये ना केवल इस बिजनेस को उन्होंने आगे बढ़ा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार उसी चीज़ कराया था. तो इस सिलसिले में वो बहुत इंटरनल ट्रैवल करते थे, हम सुनते रहते थे बिकॉज हमारे नज़दीक सब थे जो समय बहुत नज़दीक थे, कोहली जी तो दे शुड कीप टेलिंग. अभी जा रहे हैं कहीं, सपोज हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी में बैठे रस्ते में एक कोई साधु दिख गया, नागा साधु या कोई ऐसी चोगा डाल के तरह, और रोको रोको गाड़ी रोको, उतरे जेब से 15,000 रुपये निकाले, कौन करते हैं लोग, ऐसे बचाते हैं लोग या फिर दान करते हैं तो फिर बता बता के करते हैं, हेलो मेरे ये मेरा क्या फाउंडेशन, मेरी ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन इतना ये किया चुपचाप, और ये मालूम नहीं पड़ता अगर उनके लोग या ड्राइवर नहीं बताते कि आज साहब ने ऐसा किया. तो वो इस तरह के आदमी थे, इसीलिए उस आदमी की इतनी इज्जत है, और इसीलिए जब वो नहीं रहे तो उनकी फैमिली को उनकी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे डीलर्स खड़े थे, जैसे हमारा फैमिली है विद अ वेंजेंस. विनोद तुम गवाह इस बात के कि जब वो नहीं रहे तब ननू बहुत छोटे थे उस समय, बहुत एकदम यंग आए थे, पर इनके साथ देने के लिए सारे डीलर्स खड़े रहे. जब हमारे यहाँ दीवाना आए तो उन्होंने वेंजेंस के साथ में उसको बेचा है, और जो भी आए उसके बाद में आए वो क्यों, अपने पापा के सुकर्मों की वजह से.
अगर पिता की दुष्कर्म होते तो बेटा भुगतता। पिता इतने दानी, इतने पवित्र आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे कि उनकी फैमिली को उनके न होने के बाद भी उनके न होने की कमी महसूस हुई। भूषण जी, इस वेंचर को आप किस तरह देखते हैं और टीसीरीज ने कलर्स के साथ जो कोलैबोरेशन किया है वो किस, आप इस आइडिया, ये आइडिया कहाँ से इंप्लीमेंट हुआ और कैसे? सी, हम बहुत सालों से इनफैक्ट ये सबको जो पापा की जर्नी थी वो दिखाना चाह रहे थे, तो आई थिंक सब चीज़ें एक करेक्ट समय पे होती हैं और जब ये समय आया और इनको राज जी ने और प्लस कलर्स ने सपोर्ट पूरा दिया कि हम इस चीज़ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई।